बिल्कुल दोस्तों, मेरा नाम शेष कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल का हम रीनेम कैसे करते हैं। यानी कोई भी फोल्डर आपने कोई भी नाम लिख दिया है और उसका आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं, या तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बना लिया उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यही बेसिक जानने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर में फोल्डर या फाइल का हम नाम कैसे चेंज करते हैं, यानी रीनेम कैसे करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज बने वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको जैसे कि ये फोल्डर है, ये हमारा फोल्डर है। अब फोल्डर को क्या करना, हमें नाम चेंज करना। जैसे यहाँ पर नाम है ए बी सी डी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी आ रहा है, तो हमें क्या करना, अपना माउस को लेना है, और माउस को लेने के बाद में हमें माउस यहाँ ले जाने के बाद में अपने माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको स्क्रॉल करके ठीक नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे के बाद ऊपर यहाँ लिखा हुआ रीनेम। रीनेम मतलब यहाँ से फिर से अपना नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी डी लिखा था, अब यहाँ पर लिखूंगा मैं टेक्निकल निदेश। ये मैंने अपने YouTube चैनल का नाम लिख दिया। यानी अब हमें क्या करना है, या तो इंटर कर देंगे तो सेव हो जाएगा, या तो हम माउस से यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये सेव हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा इस फोल्डर का नाम चेंज हो चुका है, यानी हमने अपने फोल्डर का नाम बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने फाइल यानी हमारे जो अंदर में डॉक्यूमेंट है इसके अंदर, उसका भी हम नाम चेंज करने वाले हैं। तो फटाफट हम इस पर डबल क्लिक करेंगे अपने माउस से, वो भी लेफ्ट बटन। तो चलिए डबल क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारा फाइल, ये हमारा जो हमने सेव किया है, जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो हमारे यहाँ पर सेव है। तो इस पर हमने जो नाम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था, अब हमें भी इसका नाम चेंज करना है। तो हम क्या करें, अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ठीक नीचे आना है रीनेम में। अब यहाँ पर हमें लिख देना है कुछ भी जो नाम आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं राम। अब हमें क्या करना है, इंटर कर देना है, बस हमारा ये नाम सेव हो चुका है। यानी हमने अपने कंप्यूटर में रीनेम करना सीख लिया, यानी फोल्डर और अपने डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया। अब इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं ये भी हमारा नाम चेंज हो चुका है। यानी इस तरह से हम अपने कंप्यूटर या डॉक्यूमेंट में जो भी फाइल फोल्डर बना कर रखे हैं उसका हम रीनेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।